अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में बात करूँगा मैं अपने बछिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार तैयार हुई थी, लेकिन हाइट और वेट की बात की जाए तो काफ़ी कम हुआ था इस बछिए का। तो देख सकते हैं, जो कि हमने बताया भी था कि हम कुछ दिन दूध भी इसका अपने फार्म पे दूध भी निकाला था इस बछिए का। तो आज इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि हम लोगों ने आज इसको सीमेंट डलवा दिया, काफ़ी खुशी का दिन है। उससे पहले कहूँगा हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा फार्म इज्जू डेयरी फार्म जो अरवल बिहार के अंदर है, तो बैक कैमरा करता हूँ और हमने दो गाय को आज हमने सीमेंट लगवाया है। तो कौन सा है, जैसे मतलब पहला बछिया और दूसरा ये। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है आजमी जो हमने जंदाहा से इफ्तिखार भाई से ख़रीदा था, तो काफ़ी बीमार हो गई थी, इसको दोबारा सीमेंट हमने लगवाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा जख्म टाइप में देखने मिल रहा है, शायद पहली बार देख रहा हूँ, तो इसका भी इलाज कर लेंगे। और रही बात AI की, तो काफ़ी दुबली हो गई थी, बीच में मट्टी वगैरह खाने लगी थी, इस कारण दोबारा AI करना पड़ा। मुझे पता था कि ये प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो इसमें हमने 40 से 116 जो TBG कंपनी का आता है, हमने उस बुल का इस्तेमाल किया, इसमें AI करवाया आज ही डॉक्टर से। जब इसको हम लोगों ने प्रेग्नेंट चेक करवाया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हीट में है और सीमेंट लगा दिया गया है। पूरा फुल हीट में जिस तरह से आती है उस तरह से हम लोगों को देखने नहीं मिला, लेकिन जब हाथ लगाया गया तो पता चला कि जो बच्चादानी होता है मुंह खुला हुआ है और ये निगार जो है आता है, डिस्चार्ज जो करती है, तो काफ़ी पतला था, तो इस वजह से इसको सीमेंट डाल दिया गया। देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा आपको आगे के वीडियो में, मैं बताऊंगा। मैं चाह भी रहा था कि थोड़ी मोटी हो जाए उसके बाद हम लोग AI करें ताकि ये भी थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए और रिकवर कर ले। अब हम बात करते हैं बछिया की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बछिया हमारी दूध करने लग गई। यहाँ पर आप इसका थन देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट है लगभग 8 से 9 महीने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन कुंदन भाई ने जब बात किए थे, हम लोग इमादपुर जो कुंदन डेयरी फार्म है वहाँ पे भोलू मेरा छोटा वाला भाई बात किया था, उन्होंने बोला कि इसका दूध मत निकालिए। लगभग 5-6 बार दूध निकाला गया, उसके बाद हीट में आई गई। पहली बार ऐसा हुआ है, खुशी इसलिए है कि पहली बार हम लोगों ने बछिया तैयार किया और वो हीट में आई और हम लोगों ने AI किया। अब भाई रही बात प्रेग्नेंट ना कंफर्म होने का, वो तो अब ऊपर वाले की मर्जी, जो होगा आगे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थन काफ़ी बढ़िया। तो इसमें क्या सीमेंट लगवाना चाहिए था और क्या हमने लगवाया है, जैसे कि आज ही सुबह में बात हो रही थी कुंदन जी से, तो उन्होंने बोला जर्सी का लगवाते तो काफ़ी बढ़िया होता, लेकिन हमारे यहाँ जर्सी सीमेंट उपलब्ध नहीं था। हमने फिर सोचा कि जब ये HF और साहिवाल का क्रॉस है और वेट भी इसका कम है, तो हम इसको छोटा सीमेंट लगाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। इस वजह से हमने इसको साहिवाल का सीमेंट लगवाया है ताकि किसी तरह का फर्स्ट टाइम बच्चा देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और रही बात सेकेंड टाइम, देखते हैं और फर्स्ट टाइम में कैसा इसका इम्प्रूव होता है, बच्चा कैसा निकलता है, अगर बछड़ी या बछड़ा जो भी आता है कैसा होता है, उसके बाद सेकेंड टाइम में हम लोग इससे HF का भी ले सकते हैं। और इस बार साहिवाल और HF का क्रॉस होने के कारण हम लोगों ने साहिवाल इसमें लगाने का सोचा और साहिवाल लगा भी दिया है। अभी भी बढ़िया हीट में, ऐसा लग रहा है कि हीट में ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेट की बात की जाए तो मैं समझता हूँ इसका वेट लगभग 2.5 क्विंटल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमेंट का सही वेट एक जो होता है वो होता है 3+, यानी कि 300 kg से 350 kg अगर आपकी बछिया हो जाती है तब आप उसको AI करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया वेट में है। उसी टाइम AI भी करना चाहिए, उम्र के हिसाब से वेट भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अगर आप ब्रीडिंग बढ़िया करना चाहते हैं तो। ये बछिया ने वेट उतना नहीं किया, इसी वजह से हम लोगों का विचार हुआ साहिवाल लगाने की। एक कमेंट मैंने ये भी देखा था कि 10 गाय पे 2 बछिया ही तैयार करें अपने फार्म पे, तो भाई साहब हमारे फार्म पे ज़्यादा बछिया भी नहीं है, ज़्यादा बछिया तो है नहीं, आप देख पा रहे हैं एक यही तैयार हुआ, दूसरा में ये जो एक वहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड टाइप का बड़ी वाली बछिया जो बैठी हुई है, वो 1 साल हो गया, उसकी माँ को हम लोगों ने सेल भी कर दिया, 1 साल हो गया, काफ़ी वेट कम है। तो देखते हैं, अब मजबूरन है, अब उसका 3-4 हज़ार रुपया दाम मिल रहा था, बेच नहीं पाए, काफ़ी 3-4 के 10 हज़ार लगभग तो हम लोग खिला चुके होंगे, तो अब मजबूरन था, मजबूरी में हम लोग रखे हैं। अब जैसा भी हो कि दाना वाना उतना देते नहीं है, कभी इसके में उसमें उसका दाना खा लेता है, कभी उसका दाना, मतलब खा पी के वो काफ़ी बढ़िया तंदुरुस्त भी है। मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, कोई उसमें भी दिक्कत, उसमें भी किसी तरह का दिक्कत अभी तक नहीं है उस बछिया का भी। और रही बात एक ये बछिया और एक ये वाइट वाली बछिया, ये 2 बछिया तैयार हो रहा है इस साल, पिछले साल का 2 बछिया तैयार हुआ जिसमें से हम लोग एक को AI किए, उसमें तो काफ़ी समय लगेगा इसमें, क्योंकि वो देसी ब्रीड पे ज़्यादा आ गई है,
तो ये एक ही बछिया अगले साल का हम लोगों का तैयार होगा और दो बछिया इस साल का हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसको अगले साल सिंह में लगाएंगे तो 2 साल बाद वो बच्चा देगी तब जाके होगा। अभी तो और अब रही बात कि कितनी गाय हम लोगों का प्रेग्नेंट कंफर्म हो गया, ये देख सकते हैं हक कर रही है, यानी कि अभी भी इसका हीट में है, काफ़ी फुल हीट में है, इसको फिर से सीमेन हो सकता है लगवाना पड़ जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी गाय कितनी गाय कंफर्म हो गई। तो जैसे कि ये आप लक्ष्मी देख पा रहे हैं, ये कंफर्म है। दूसरा शीतल की बात की जाए तो लगभग 1.5 महीना पौने 2 महीना इसको भी AI करके हो गया है, कोई किसी तरह के दोबारा हीट में आने का मतलब ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, मतलब उसके चाल चलन को देख कर। तो ये भी हो सकता है कि कन्फर्म हो जाए। तो ये जो गाय देख पा रहे हैं ये मोहन है, इसको बेचना है, तो इस गाय को बेचना पड़ेगा क्योंकि 2 KG सुबह 2 KG शाम में दूध निकाल रही है ये, और अभी तक के कंफर्म गाभिन नहीं, अभी कुछ 10 दिन पहले भी हीट में आई थी, हम लोगों ने AI नहीं करवाया, इसलिए कि 300-400 रुपया वो भी नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होने की वजह से हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो ये बेचना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि इस गाय को भी बेचना पड़ेगा। अब दो गाय, ये और ये गाय, दो गाय कन्फर्म नहीं है और आज उसको लगाया, यानी 3 गाय कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये 90% उम्मीद है कि ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, और ये टाइम लगेगा, यानी कि मोहन और शीतल, मोहन को बेच देंगे। तो एक गाय कन्फर्म यानी लक्ष्मी कन्फर्म, और ये गाय जो आप अंधेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 गाय कन्फर्म, 3 गाय कन्फर्म, और ये 4 गाय कन्फर्म है। 4 गाय कन्फर्म हो चुकी है, 2 को AI हो चुका है, 1 को आज हुआ, 1 को 1.5 महीना पहले हुआ, और 1 गाय मुझे उम्मीद है कि उसको बेचना ही पड़ेगा चाहे कितने में भी बिक जाए, लगभग दोनों टाइम का 4 KG दूध है। अब हम बात करते हैं, पिछला वीडियो को देख कर बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया, भैया हाथ से दूध निकाल कर, जैसे हाथ को दूध में टर्च कर बोतल को उठाकर आप प्लास्टिक में जो डाल रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज़ से एक्सेप्ट करता हूँ, ये बिल्कुल बेकार तरीका है, ख़राब तरीका है, हाथ को टर्च नहीं करना चाहिए, दूध और हाथ को टर्च नहीं करना चाहिए, बिना हाथ टर्च किए दूध लोगों को देना चाहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे भाई, अगर कोई भी 4-5 गाय रख रहा है यानी 10-20 भी गाय रख रहा है और मिल्किंग मशीन यूज़ नहीं कर रहा है, तो अब बताओ कि वो कितना साफ़ सुथरा दूध दे रहा होगा आपको। अब बताता हूँ इसका वजह क्या है, अगर कोई भी बंदा हाथ से मिल्किंग करता है तो सबसे पहले वो थन को पानी मारता है, उसके बाद जब हाथ को टर्च करता है उसके थन में, उसके बाद दूध हाथ से ही कभी हाथ में टर्च होके भी जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ जब सूख जाता है ना ऐसे ऐसे करते करते, तो उसका फेन जो होता है बाल्टी से निकालता है, उसके बाद थन को लगाता है, फिर उस तरह से दूध निकालता है। तो यानी कि हाथ तो टर्च हो ही रहा है, दूध में हाथ टर्च होता है, प्लस में जब भी गाय अगर मिल्किंग के लिए तैयार होती है तो पिशाब करती है, ये चीज़ संभव है, ये एकदम मतलब एक नेचुरली चीज़ है, जैसे ही पिन्हाएगी वो पेशाब करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाल्टी लेकर बैठ गए तब जाके वो पेशाब की, तो पेशाब करती है, वो छींटे भी कभी कभी बाल्टी में आते हैं। दूसरा कभी कभी गोबर कर देती है दूध निकालने के समय, जब गोबर गिरता है ना जिस ज़मीन पे वहाँ से कीचड़ उठता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाल्टी के अंदर जाता है। तो जो भी दूध खाने वाला व्यक्ति है, ये चीज़ मल्किंग मशीन से जो नहीं कर निकाल रहा है उसके साथ ये दिक्कत, उस दूध के साथ ये दिक्कत आ सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरह का होता है। मिल्किंग मशीन से निकालने में एकदम साफ़ सुथरा होता है। अब हम बात करते हैं कि हाथ से दूध निकाल कर देना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ मजबूरी था, हम लोग पहले बोतल पैक करते थे तो नल लगवाए हुए हैं, मैं वो नल भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये नल लगवाया था, ये देख सकते हैं ये नल लगवा चुके हैं, इसमें दूध डालकर बोतल के अंदर भर लेते थे, लेकिन बोतल से प्लास्टिक में डालने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, इस वजह से हम लोग हाथ यूज़ करते हैं। रही बात दस्ताना यूज़ कर लेना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये गलत है, तरीका तो गलत है, लेकिन जल्दी होने की वजह से ये चीज़ करता है, लोग कर रहे थे यहाँ के वर्कर जो भी हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम उनको यही बोलूँगा कि जो ये बाल्टी है यहाँ पर, जो आप हम लोग बाल्टी देख पा रहे हैं, इस बाल्टी से डायरेक्ट बोतल में ले लें और बोतल से प्लास्टिक में डाल लें। मैं किसी टाइम अगर मॉर्निंग के टाइम में वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो चीज़ करते हुए दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा दूध में हाथ ना डाला जाए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन हो रहा था हमारे फार्म पे, इसलिए हमने सोचा आपको दिखा दूँ। बहुत सारे फार्म पे हो रहा है ये, तो मैं अपने फार्म पे हर एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को तो पता चल जाता है, लेकिन हमारे फार्म पे यही एक सच्चाई है जो हम लोग दिखाते हैं। हमारे फार्म पे किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है, जो सच होता है वही हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, हम लोग कभी ये नहीं चाहते कि बनावटी चीज़ को दिखाया जाए। हर फार्म पर इस तरह का होता है, जो फार्मर हाथ
उसको टच करते हैं दूध में। मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें, जैसे कि मुझे लोगों ने कमेंट किया तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को नेगलेक्ट किया जाए और ख़त्म किया जाए, दूध को टच ना किया जाए। जैसे हमारे पास तो सभी गाय को मिल्क मशीन से निकाल कर डायरेक्टली वो हैंड से, जैसे कि ये बाल्टी दिखाया मैंने, बाल्टी से निकाल कर बोतल में ले लें, बोतल से फिर डायरेक्ट प्लास्टिक में डालकर किया जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि हम लोगों ने बछिया तैयार किया, बछिये को सीमेन लगा दिए, अब कंफर्म हो जाती है 3 महीना या 2 महीना या फिर दोबारा 40 दिन में या 20-22 दिन में हीट में आती है, वो भी आगे फ्यूचर में वीडियो में बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।